बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कैसे हम ट्रूक के जो एयरबड्स से उनको पेयर कर सकते हैं, तो ये वीडियो इसी के लिए है दोस्तों। इसमें हमने आपको पूरा का पूरा पेयरिंग का प्रोसेस समझाया हुआ है, तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए दिखाते हैं आपको पूरा का पूरा पेयरिंग का प्रोसेस। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो लोग फेस करते हैं वो ये सोचते हैं कि बॉक्स के अंदर रखे रखे ही आपका जो ईयरबड्स है वो आपके फ़ोन से पेयर हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है, सबसे पहले इन ईयरबड्स को आपको अपने जो आपका बॉक्स है उससे निकालना है, सिंपली उसको आप निकालें। दूसरा स्टेप ये है कि इनको जब भी आप निकालें उनको सबसे पहले आपको पास रखना है कुछ इस तरीके से। अक्सर लोग क्या करते हैं, सीधा ईयरबड्स को निकालते हैं और सीधा उनको अपने मोबाइल से पेयर करना शुरू कर देते हैं, उनको पास नहीं रखते हैं। पास रखने से ये होता है कि सबसे पहले ये आपस में पेयर होते हैं। कई बार काफ़ी सारे व्यूअर्स की ये भी क्वेश्चन आया था कि एक ईयरबड से साउंड आता है दूसरे से नहीं आता है, तो उसका भी रीज़न यही होता है कि जब आप इनको आपस में पेयर नहीं करते हैं तो एक जो ईयरबड है वो तो आपके मोबाइल से पेयर हो जाता है, लेकिन दूसरा वाला जो होता है वो आपस में पेयर ना होने की वजह से उसमें साउंड नहीं आता है। तो सबसे पहला काम आप ये करें, जब भी आप ईयरबड्स को केस से निकालें उनको साथ में कुछ इस तरीके से रखें जिससे कि ये आपस में पेयर हो जाए। अब उसके बाद आपको अपने जो मोबाइल है उसको उसके साथ इसको पेयर करना है, वो मैं अब आपको करके एक बार ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के ब्लूटूथ की सेटिंग्स पे जाना है। अब मैं एक बारी ब्लूटूथ ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली जैसे ही आप ब्लूटूथ को ऑन करेंगे आप देखेंगे ये सर्च करना शुरू करेगा, और अब आप देखेंगे नीचे की तरफ यहाँ पे ऊपर की तरफ इसने जो है पेयरिंग कर भी दी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं एक बारी दिखा दूँ, यहाँ पे कोडेक की इन्फॉर्मेशन भी दी गई है जिसके बारे में हमने आपको जो पिछले वीडियोस में भी बताया था कि इसके अंदर जो है SBC एंड्रॉयड कोडेक को ये सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ अगर आप ईयरबड्स की बैटरी की परसेंटेज को देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अराउंड 100% अभी ये फुल्ली चार्ज है। और पेयरिंग इसकी काफ़ी ईजिली हो जाती है, काफ़ी इंस्टेंट पेयर करता है, तो पेयरिंग में कोई भी मेरे को लेटेंसी वगैरह कहीं भी देखने को नहीं मिले। अपने पेयरिंग का प्रोसेस देख ही लिया होगा। अगर आपके मन में पेयरिंग को लेकर कोई सवाल है हमारे कमेंट सेक्शन पर जाकर आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले हम आपके लिए देखे आते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।